अभी आप देख रहे हो टीपीटीएन मैस्टिक बेंगलोर में ह्यूज जायंट साइज का टीपीटीएन मैस्टिक, और ये टीपीटीएन मैस्टिक का ओनर नॉन अदर देन सतीश कदमम, और ये ह्यूज साइज जैसा आप देख रहे हो ये टीपीटीएन मैस्टिक, और ऐसा लार्ज ह्यूज साइज में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये दोनों जो देख रहे हो ये आपका इंपोर्ट है, और देख रहे हो इसका कंडीशन, ठीक है, और सारा कुछ आपके सामने है, और इसका ओनर सतीश कदमम एंड बोथ आर इंपोर्ट, और जस्ट लुक इसका जो साइज है, ठीक है, सारा कुछ देख पा रहे हो। और ये आप पूरा व्यू आप देख पा रहे हो, पूरा व्यू आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली आप जानते हो ये टिबेटियन मैस्टिफ बहुत फेरोसस डॉग है, एंड इसके साथ की मतलब डिस्टेंस मेंटेन करना ही समझदारी का बात है, और वही मेंटेन कर रहे हैं, एंड और ये जो टिबेटियन मैस्टिफ आप लोग देख रहे हो ये सबसे मतलब इंडिया में सबसे टॉलेस्ट बड़ा टिबेटियन मैस्टिफ है, एंड ये टिबेटियन मैस्टिफ ये जो टिबेटियन मैस्टिफ है दोनों जो देख रहे हो, एक तो आपका रेड में है और एक तो ब्लैक एंड रेड में, और दोनों ही जो है आपका पूरा आपका ये जो है ये आप देख रहे हो ये जो देख रहे हो ये दोनों ही आपका बहुत रेयर कलर है, एंड इसका सारा कुछ आप लोग देख रहे हो, देखो ये देखो टिबेटियन मैस्टिफ, ठीक है, आपके सामने है, दोनों एकदम न्यू साइज है, और आपको ये आप देख रहे हो, ठीक है, बहुत मुश्किल से शूट करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि सामने आने में खतरा है, ठीक है, और ये टिबेटियन मैस्टिफ यहाँ पे ऐसा खुला ही रहता है, और अब देख लो दोनों टिबेटियन मैस्टिफ को, एनर्जेटिक है, फुल एग्रेसिव है, एंड बेंगलोर में
क्या आपका पूरा साउथ इंडिया में आपका ऐसा डॉग आपको नहीं मिलेगा, और ये आपका जो देख रहे हो ये आपका सतीश के पास है, एंड देखो सर ये जो टिबेटियन मैस्टिफ है ये सर कहाँ से सर आया सर? चाइना इंपोर्ट। अच्छा अच्छा, तो सर ये जो टिबेटियन मैस्टिफ जो आप लोग ये पास देख रहा हूँ ये तो नॉर्मल लोगों का पालने का मतलब बस का बात नहीं है, तो ये टिबेटियन मैस्टिफ कितना फेरोसास है सर? घर वालों के लिए कुछ नहीं करता, देखते हैं ना उसको कुछ नहीं करता। हाँ हाँ, भी आए तो उसको काट लेगा सर, बहुत फेरोशियस है। अच्छा, किसी को एडजस्ट नहीं होता। हाँ हाँ, और ये सर प्रॉपर एक गट डॉग है, गट डॉग है प्रॉपर, गट डॉग अलो नहीं करता सर, उतना वो डोबरमैन रॉटवेलर रहता ना उससे भी गार्ड डॉग। अच्छा, तो सर ये टिबेटियन मैस्टिफ का ब्रीडिंग आप पहले किए ना, यही आपका फर्स्ट है? फर्स्ट इंपोर्ट किया यही है सर, अभी इसका बेटा, हाँ हाँ, इसका बेटी वो सभी रखा हुआ अभी। हाँ, 28 टिबेटियन मैस्टिफ है आपके पास? 28 टिबेटियन। अच्छा अच्छा, तो सर ये टिबेटियन मैस्टिफ और अदर्स जो डॉग है उस दोनों में क्या सर बेसिक डिफरेंस क्या है सर? सर ये ह्यूज ब्रीड है, ये रिच लोग है ना, मिनिस्टर लोग, सेलिब्रिटीज, हाँ हाँ, अगर मैं छोटा डॉग रखने से, हाँ हाँ, उतना बड़ा कंपाउंड में छोटा डॉग नहीं दिखता। हाँ हाँ, इसलिए वो लोग रोल्स रॉयस कार जैसा ये रखने से। अच्छा, वो इतना कॉस्टली कुत्ता रखा है तो उसको प्रेस्टीज का वैल्यू है, कॉस्टली डॉग रखा है करके। हाँ, मिनिस्टर लोग, सेलिब्रिटीज, ऐसा बड़ा बड़ा घर में ऐसा बड़ा ब्रीड लेता है। हाँ, और बड़ा कंपाउंड हो तो ये बड़ा रखने से अच्छा है, वो सुंदर दिखता है, नॉर्मल ब्रीड रखने से उतना अट्रैक्शन नहीं रहता, ये लायन जैसा दिखता है, इसको लायन है टिबेटियन मैस्टिफ। हाँ 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 हाँ, पूरा यूज रहता है उसमें, फर ज़्यादा आने से वैल्यू है। हाँ हाँ, स्मूथ कोट भी आता है, उतना सुंदर नहीं रहता। अच्छा, ह्यूज भी बहुत 80 kg 100 kg तक आता है, इतना बड़ा रहता है। और सर ये मेंटेन करना मेंटेनेंस कॉस्ट कैसा है सर इसका? मेंटेनेंस रॉयल कैनिन, रॉ मीट, चिकन देने से बस है। क्वांटिटी आप कितना भी दे सके, उसके साथ आप घर का खाना भी दे सकता है। हाँ हाँ, उसको ग्रूमिंग का बहुत जरूरी है। अच्छा, ग्रूमिंग नहीं करने से उसको बाल में सभी में वो नॉट हो जाएगा। अब ग्रूमिंग का डेली करने का उसको, वही मेंटेनेंस ज़्यादा है, और इसका बाल गिरता है ना वो टाइम थोड़ा एक ही टाइम में 1 month में पूरा गिर जाता है, बाद में 6 months तक अच्छा रहता है। ईयरली ट्वाइस उसका बाल का प्रॉब्लम है, वो थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, तो व्यूअर ये जो वीडियो देख रहे हो, सतीश जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, जो टिबेटियन मैस्टिफ लवर है और टिबेटियन मैस्टिफ ब्रीड पालना चाहते हो तो सतीश सर से आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सर।